हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन इफ इज इक्वल टू हमारा मैट्रिक्स थीटा कॉस्ट थीटा जीरो माइनस टू कॉस्ट थीटा साइन थीटा जीरो माइनस ए इंटू एट ज्वाइंटमेंट ऑफ ए इक्वल टू ए पार्ट नल मैट्रिक्स बी पार्ट माइनस आई सी पार्ट आई और डी पार्ट टू आई तो देखो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में क्या गिवेन है मैट्रिक्स ए हमारा गिवेन है इज इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस्ट थीटा जीरो माइनस टू कॉस्ट थीटा, साइन थीटा जीरो माइनस वन 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 ये मैट्रिक्स की वन है हमें यहाँ देखो फाइंड आउट क्या करना है कि ए इंटू एड ज्वाइंटमेंट ऑफ ए तो ए इंटू एडजॉइटमेंट ऑफ ए हमारा होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई तो यहाँ से हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लें तो देखो यहां से हमें क्या मिलेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू तो यहां से हमें क्या मिलेगा टू साइन थीटा कॉस्ट थीटा जीरो माइनस टू कॉस्ट थीटा साइन थीटा जीरो माइनस वन 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 तो हम इसको थर्ड कॉलम के अलाम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू इंटू कॉस स्क्वायर थीटा सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा टू इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज द टू तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें यहाँ से कितना मिला टू हमें क्या चाहिए था ए इंटू एट ऑफ ए और इसकी वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई सिंप्लीफाई करने की तरह से क्या मिलेगा टू आई जिसके अकॉर्डिंग हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा ऑप्शन डी होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक